हरे कृष्णा, जय हिंद। तो हम लोग थर्मोडायनेमिक्स के लास्ट में लगभग पहुंच चुके हैं, और बीच में बहुत डिस्टर्ब हो गया लेक्चर, क्योंकि मेरा ये फर्स्ट टाइम है कि मैं कोई लेक्चर वगैरह ले रहा हूं, तो थोड़ा सा होता है, इसकी प्रैक्टिस नहीं है हम लोगों को। बहुत पढ़ाना कोई आसान काम नहीं है, ऐसा मेरे टीचर्स बोलते थे, मुझे तो नहीं लगता। तो इसीलिए सब थोड़ा बहुत अड़चन आ रही है, लेकिन कोई बात नहीं है, हम लोग डट के सामना करेंगे, हाँ मुकाबला करेंगे और हम लोग काम करेंगे। तो हम लोग क्वेश्चन आंसर्स करेंगे आज। उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो छूट गया था, सिलेबस में नहीं था, उसको हम लोग कहते हैं ये टीपी कर्व या जूल थॉम्सन कोफिशियंट या इन्वर्जन कर्व, ठीक है? तो हम लोग उसको देखेंगे। और उससे पहले जरूरी सूचना, दो जरूरी सूचना, लॉकडाउन फॉलो करना हो तो करवा ही देगी गवर्नमेंट आपको, कोई टेंशन की बात नहीं। और दूसरी है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए वीडियो को, ठीक है? सब कीजिएगा, हम लोग काम करते हैं। तो अभी हम लोग जो थर्मोडायनेमिक्स रिलेशन पढ़ रहे हैं, उसमें एक आपका रिलेशन तो नहीं है, एक चीज़ है जो इम्पोर्टेंट है, जिसका नाम है जूल थॉम्सन कोफिशियंट। जूल थॉम्सन कोफिशियंट, या फिर इसका दूसरा नाम है आपका इन्वर्जन कर्व। तीन नाम हो सकते हैं, इन्वर्जन कर्व, और एक बहुत अनपॉपुलर नाम है जो यूज़ नहीं करता कोई, अनपॉपुलर मतलब बदनाम नहीं है, कम यूज़ वाला, वो है आपका पीटी। पीटी है टीपी कर्व। पीटी कर्व एक होता है जिस पे हम लोग ट्रिपल पॉइंट निकालते हैं, ये टीपी कर्व है, ठीक है? तो ये इसका नाम है। तो ये है आपका जूल थॉम्सन कोफिशियंट। तो ये होता क्या है, तो कांस्टेंट इन्थैल्पी प्रोसेस एक होता है, छोड़ वो सब, कांस्टेंट इन्थैल्पी छोड़िए, एक होता है थॉटलिंग प्रोसेस, ठीक है? थॉटलिंग, इसके बारे में आप लोगों को बता ही है, थॉटलिंग क्या है, बॉडी स्प्रे से स्प्रे करने वाले को थॉटलिंग मान लीजिए, चाहे ये एक पाइप है जिधर इधर हाई प्रेशर है, इधर हाई प्रेशर में है सब चीज़ें, गैस वगैरह और ग्लास या फ्लूइड है HP में, हाई प्रेशर में है, इधर लो प्रेशर एरिया, वैक्यूम नहीं है, वैक्यूम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये फ्री एक्सपेंशन का केस हो जाएगा, ये लो प्रेशर है, इसको कहते हैं थ्रॉटलिंग। तो हम लोगों ने एक छोटा सा छेद कर दिया यहाँ पे, छोटा सा छेद कर दिया, तो ये इसमें से क्या करेगा, ऐसे 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 करके निकलेगा, तो फैल के बढ़े भरेगा, तो उसमें क्या होगा कि आपका ये, इसमें ये होगा कि आपका उसका टेम्परेचर थोड़ा कम हो जाता है, और प्रेशर कम हो जाता है, और क्या होता है, ये सब प्रोसेस वगैरह होते हैं, लेकिन टेम्परेचर जो ही नहीं कि कम हो थोड़ा, इसमें यही हम लोग स्टडी करेंगे, कब होता है ज़्यादा, कब होता है कम। कुछ क्वेश्चन हम लोगों ने देखा था पिछले क्लास वगैरह में, इसमें किसी में ज़्यादा भी था, ठीक है? तो यही हम लोग का स्टडी करना है। तो ये हम लोग किस पे देखेंगे, टेम्परेचर प्रेशर कर्व पे, और प्रेशर तो डाउन होगा, ये श्योर बात है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है, वो है आइसेंथैल्पिक प्रोसेस है, इंथैल्पिक कॉन्स्टेंट रहती है, ये है आपका मेन चीज़। तो हम लोग का ये थ्रॉटलिंग प्रोसेस का स्टडी करते हैं। जो थ्रॉटलिंग करते हैं तो आपका यहाँ पे इधर क्या होता है, आपका इधर हो जाता है आपका P1 T1, मतलब प्रेशर वन टेम्परेचर वन, और इधर क्या हो जाता है P2 एंड T2, ठीक है? ये होता है। अब हम लोग क्या करेंगे कि इसको हम लोग PT कर्व पे प्लॉट करेंगे, तो TP कर्व पे, PT कर्व नहीं, तो टेम्परेचर प्रेशर PT कर्व पे हम लोग क्या ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर निकालते हैं, तो इधर हम लोग ने T बना लिया और इधर बना लिया P, ठीक है? तो उसमें क्या होता है कि जब हम लोग प्लॉट करना शुरू किए अलग अलग प्रेशर टेम्परेचर के अनुसार में, तो प्लॉटिंग तो आपको पता ही है, तो कुछ ऐसा ऐसा बन के आया, ऐसा बन के आया, ऐसे करके बन के आया, ठीक है? कुछ लाइंस बन के आई, और इनका जो हाईएस्ट पॉइंट होता है, तो यहाँ थोड़ा हाईएस्ट पॉइंट ये होगा, मैंने थोड़ा उधर हाईएस्ट बना दिया, लेकिन ये हाई होगा, ये हाईएस्ट पॉइंट है, इधर थोड़ा सा ऊपर बन गया है, ये हाईएस्ट पॉइंट थोड़ा इधर रहेगा इसका, और इसका भी थोड़ा सा चेंज किया जाए, तो हम लोग उसको भी देख लेते हैं। तो हाईएस्ट पॉइंट है कुछ इस प्रकार से, और ये इस प्रकार से, ठीक है? और यहाँ पे आपका इस प्रकार से, ठीक? तो ये जो इस कर्व का हाईएस्ट पॉइंट है, इसमें थोड़ा सा लग रहा है, लेकिन ठीक है मान लीजिए, और ये हाईएस्ट पॉइंट हो गया, ये हाईएस्ट पॉइंट हो गया, ये हाईएस्ट पॉइंट हो गया, ये हाईएस्ट पॉइंट हो गया। तो हम लोग क्या करेंगे कि इसको है ना ऐसे कर करके जोड़ेंगे, डॉटेड लाइन से या सिंपल लाइन से जोड़ देंगे, तो हम लोग का क्या बन के आएगा, ये कर्व जैसा बन के आएगा, ठीक है? और इसे ही कहते हैं हम लोग मैक्सिमम इन्वर्जन टेम्परेचर कर्व, ठीक है? अभी सब लिख देता हूँ क्या क्या है। तो यहाँ पे आपका था, इसको भी ठीक से बना दिया जाए,
और ये ठीक से है, लेकिन इसे भी ठीक से बना दिया जाए कि लगे कि हाँ भाई हम लोगों ने मैक्सिमम को चुना है। ठीक है, और ये ऐसे ओके। तो अब होता क्या है, होता ये है कि हम लोग थ्रॉटलिंग कराते हैं तो प्रेशर P1 और T1 से, P1 प्रेशर और T1 टेम्परेचर से कराते हैं तो ये P2 और T2 तक जाता है ऐसे ही। अब अलग अलग प्रेशर अलग अलग टेम्परेचर लेवल पे कराएंगे तो अलग अलग आएगा। तो ये कर्व जो है ना, इसका डायरेक्शन किस साइड होता है, इसका डायरेक्शन होता है इधर, इस साइड जाता है, ये थोड़ा उल्टा कर्व बनता है। ठीक है, जनरली हम लोग देखते हैं जितना कर्व जाता है उस साइड जाता है, ये इस साइड आ रहा है, तो ये इन्वर्जन कर्व हो गया एक तरह से, इसको भी कह सकते हैं इन्वर्जन कर्व है, उल्टा बन के आ रहा है। और होता क्या है कि अगर हम लोग जो थ्रॉटलिंग कराते हैं वो यहाँ पे से शुरू करें या इधर से शुरू करें या कहीं से शुरू करें, इस मैक्सिमम के उधर से कहीं से शुरू करें, तो वो हम लोग को क्या देगा, टेम्परेचर हाई देगा। प्रेशर तो हर स्थिति में कम होना है, प्रेशर तो हर बार डाउन होना है, लेकिन कंसर्न यह हो जाता है टेम्परेचर का, टेम्परेचर बढ़ेगा या घटेगा। तो क्या हुआ कि अगर हम लोगों ने इसके उधर ये जो एरिया है, ये जो जोन है, ये जो पॉइंट है, इसके उधर से शुरू किया तो टेम्परेचर बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो यहाँ पे क्या होगा कि अगर हम लोग जो इन्वर्जन लाइन जो है, इन्वर्जन लाइन इसे कहते हैं हम लोग, ये इन्वर्जन लाइन, ठीक है, इन्वर्जन लाइन के उस साइड से राइट से हम लोगों ने शुरू किया तो क्या होगा, प्रेशर किसी भी कंडीशन में घटेगा और टेम्परेचर क्या होगा आपका, बढ़ेगा। लेकिन किंतु परंतु अगर हम लोग इन्वर्जन लाइन पे, इन्वर्जन लाइन पे या फिर मैक्सिमम टेम्परेचर पॉइंट पे खड़े होकर हम लोग शुरू करते हैं या उसके इधर करते हैं, तो हम लोग क्या होगा, राइट से लेफ्ट साइड पे आएंगे तो प्रेशर तो घटना ही घटना है किसी भी कंडीशन में, लेकिन टेम्परेचर भी घटेगा। तो हम लोग कुछ क्वेश्चन किए थे कल, तो हम लोग देखे थे कि कल मतलब लास्ट लेक्चर में कि किसी में टेम्परेचर बढ़ रहा है किसी में घट रहा है, तो और ऐसा क्यों हो रहा है। और हम लोगों ने यहाँ भी देखा कि ये प्रॉब्लम आ रही है कि किसी में बढ़ रहा है किसी में घट रहा है, तो उसको हम लोगों ने इस जूल थॉम्सन कर्व पे देखा कि कोफिशिएंट पे देखा कि ऐसे ऐसे है। अब जूल थॉम्सन के कोफिशिएंट इसी से रिलेट आ रहा था, उसका डेरिवेशन हम लोग करेंगे और हम लोग वो करेंगे। डेरिवेशन क्या है, जूल थॉम्सन कोफिशिएंट सिंपल लिखिए, ये होता है म्यू इज इक्वल टू डेल टी अपॉन डेल पी एट कॉन्स्टेंट एंथैल्पी, ये होता है आपका जूल थॉम्सन कोफिशिएंट। ठीक है, ये म्यू है, ओके, इसी म्यू को कहते हैं। तो इससे हम लोग को समझ में आया ये क्या है, और ये जो है हम लोग का जो लाइन बना है, ये लाइन क्या, कैसा लाइन है, ये कैसा लाइन है, तो ये जो लाइन है वो कौन सा है, कांस्टेंट टेम्परेचर लाइन है, कांस्टेंट प्रेशर लाइन है, कांस्टेंट वॉल्यूम लाइन है, कौन सी लाइन है। कांस्टेंट टेम्परेचर हो नहीं सकता, कांस्टेंट प्रेशर हो नहीं सकता है, कांस्टेंट वॉल्यूम से कोई मतलब वर्णन नहीं है, लेकिन ये कांस्टेंट इंथैल्पी लाइन है। तो ये जो लाइन जो है ये कांस्टेंट इंथैल्पी लाइन है, कांस्टेंट इंथैल्पी लाइन, ठीक है, ये लाइंस जितनी है तो ये उसको इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, और ये म्यू क्या हो गया, ये जूल थॉम्सन कोफिशिएंट का वैल्यू है, और सिंपल है, उसका कोई याद करने की आवश्यकता नहीं, टीपी कर्व है और डेल टी अपॉन डेल पी एट कॉन्स्टेंट इंथैल्पी, सिंपल यही फॉर्मूला है, तो हम लोग कहीं कहीं यूज़ करेंगे, लेकिन एक दो जगह आता है थोड़ा बहुत, तो इसका डेरिवेशन जो आता है हम लोग देखेंगे। अब हम लोग आते हैं, इसका एक डेरिवेशन होगा। हाँ, एक और चीज़ छूट गया, छोटा सा, छोटा कुछ नहीं है, देखिए एक और छोटी सी बात, पॉइंट क्या है कि ये कहाँ पे यूज़ होता है, रेफ्रिजरेशन प्रोसेस में इसका यूज़ किया जाता है। अगर मान लीजिए कि हम लोगों ने उधर प्रेशर पे ज़्यादा छोड़ दिया जाए तो हीटिंग करेगा, ठीक है, अगर हम लोग इसके इधर पर करेंगे तो कूलिंग करेगा। तो हम लोग का रेफ्रिजरेशन जितना वर्क करता है इस साइड वर्क करता है, इस इन्वर्जन लाइन के इधर साइड होता है, तो इसका सिग्निफिकेंस क्या है ये समझिए। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे कि इस पे एक छोटा सा डेरिवेशन है वो करेंगे, और ये मिटा दिया जाता है, ये अभी रहने देता हूँ, फिर अगले बार मिटा दूँगा अभी जब हम लोग करेंगे तब, ठीक है, ताकि सुंदर लगे, रिलेवेंट लगे, थोड़ा समझने में बने तो ठीक है, नहीं बनेगा तो हम लोग देखेंगे। तो इसका जो डेरिवेशन है वो ऐसा है, तो देखिए बहुत सारे फॉर्मूला है, इतना सारे हो गए किसी को याद वाद रहते नहीं है, काम का ही चीज़ हम लोग को याद रखना है, और मैं कोई 20-30 साल से तो पढ़ा नहीं रहा हूँ, पहली बार मैं लाइफ का, तो मुझे भी याद वगैरह नहीं रहता, तो अभी हम लोग
थोड़ा बहुत देख दाख के करते हैं, ऐसे भी देख देख के करते रहता हूँ कोई भी मतलब, या फिर कुछ कोई याद रहता है तो हम लोग देखिए। एक होता है dH इज इक्वल टू सी पी डी टी माइनस टी डेल वी अपॉन डेल टी पी माइनस वी डी पी। तो ये क्या चीज़ है, ये कहाँ से आया, कैसे आया, ठीक है, इस पर हम लोग को ज़्यादा ध्यान नहीं देना है क्योंकि हम लोगों ने फॉर्मूला डिराइव भी किया होगा, इतना डेरिवेशन किया कि भूल भी चुके हम लोग, तो वो सब बाद में हम लोग नोट्स वगैरह में देखेंगे, आप नोट्स में देख लीजिएगा, ठीक है। अब कॉन्स्टेंट क्या है, हम लोग का इंथैल्पी जीरो है, डी एच इज इक्वल टू जीरो है, कॉन्स्टेंट इंथैल्पी लाइन है, तो ये क्या हो जाएगा, सी पी डी टी इज इक्वल टू सी पी डी टी एट कॉन्स्टेंट इंथैल्पी इज इक्वल टू ये वाला रह जाएगा ऐसे ही टी डेल वी अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर माइनस वॉल्यूम एट इंटू डी पी। और इसमें क्या है, ये डी पी किस पे है, कॉन्स्टेंट इंथैल्पी पे है, तो हम लोगों को क्या निकालना है, डेल टी अपॉन डेल पी निकालेंगे तो म्यू का वैल्यू निकलेगा, तो हम लोग डेल टी अपॉन डेल पी कर देंगे, तो म्यू इज इक्वल टू क्या होगा, डेल टी अपॉन डेल पी एट कॉन्स्टेंट इंथैल्पी ये हो जाएगा, और बाकी टर्म्स को उधर भेज दिया जाए तो ये हो जाएगा वन बाई सी पी इंटू टी डेल वी अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर माइनस वी, ये आएगा हमारा, ठीक है। अब ये जो वैल्यू है यही है आपकी जूल थॉम्सन कोफिशिएंट की वैल्यू, ठीक है। ये जो वैल्यू है इसको हम लोग क्या करते हैं कि थोड़ा सा कलर में लिख लिया जाए, तो ये तो है ही लेकिन फॉर्मूला अब ये निकल के आ रहा है, म्यू इज इक्वल टू डेल टी अपॉन डेल पी एट कॉन्स्टेंट इंथैल्पी इज इक्वल टू वन अपॉन सी पी टी इंटू डेल वी अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर माइनस वॉल्यूम, ठीक है। ये है हमारा जूल थॉम्सन कोफिशिएंट का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ सी पी डेल वी डेल टी टी वी सब के टर्म्स में है, ठीक है, ये फॉर्मूला हमारा निकल के आया। अब हम लोग को एक क्वेश्चन भी आएगा और हम लोग अभी ही इसको देख लेंगे, इसलिए इसको अभी क्यों देखेंगे, क्योंकि अभी हमारे पास है डेरिवेशन तो हम लोग देखेंगे। ये तो समझ में आ गया क्या चीज़ है, ठीक है, और हो गया और क्या, अब हम क्वेश्चन आंसर्स पे आते हैं, सब खत्म कहानी, क्वेश्चन आंसर करना और जहाँ पे जो शक्ति होगी आवश्यकता होगी उसका डिस्कशन होगा वहाँ पे, ठीक है। तो हम लोग एक क्वेश्चन बाद में आता है उसको सब पहले करेंगे क्योंकि मेरे पास उसका मटेरियल अवेलेबल है और ये भी मिट गया, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन आंसर्स कर लेते हैं, ठीक है। ठीक, क्वेश्चन आंसर्स पे आ जाए, तो आज हम लोग चैप्टर 8 का क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला तो है कि जूल थॉम्सन कोफिशिएंट फॉर एन आइडियल गैस, ये भी एक छोटा सा डेरिवेशन जैसा ही है, तो इसको मैं हेडिंग दे देता हूँ। इसमें हम लोग क्या देखने जा रहे हैं, जेटी कोफिशिएंट या जूल थॉम्सन कोफिशिएंट फॉर एन आइडियल गैस, फॉर एन आइडियल गैस, ये इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट क्या सब इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये थोड़ा एक डेरिवेशन जैसा है, ठीक है। तो हम लोग का फॉर्मूला क्या था, म्यू का बार बार लिखने से याद हो जाएगा, म्यू इज इक्वल टू क्या था, डेल टी अपॉन डेल पी, डेल टी अपॉन डेल पी एट कॉन्स्टेंट इंथैल्पी था, ये तो मेन था, उसके बाद क्या था, वन अपॉन सी पी था, है ना, वन अपॉन सी पी, और उसके बाद क्या है टी, एक मिनट मैं ढंग से पकड़ लेता हूँ जब देखना ही है तो, हाँ, टी डेल वी अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर माइनस वॉल्यूम, ये था हमारा। तो हम लोग को देखना है आइडियल गैस के लिए, तो मेन इक्वेशन था सिंस करके, ठीक है, ये मेन इक्वेशन था हम लोगों का। अब हम लोग क्या करेंगे कि फॉर आइडियल गैस क्या होता है, सिंस फॉर आइडियल गैस के लिए क्या होता है, पी वी इज इक्वल टू आर टी होता है, ये हम लोग को सबको पता है पी वी इज इक्वल टू आर टी है। तो हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग क्या निकालना है, डेल टी अपॉन पी निकालना है ना, और हम लोग क्या करेंगे, डेल वी अपॉन डेल टी, यहाँ डेल वी अपॉन डेल टी है तो हम लोग वी अपॉन टी इधर निकाल लेते हैं, तो इससे हम लोग का वी अपॉन टी हो गया, वी अपॉन टी इज इक्वल टू आर अपॉन पी, ठीक है। अब हम लोग आर अपॉन पी को उठा के रख देंगे वहाँ पे, उसमें डाल देंगे उस इक्वेशन में, तो क्या हो जाएगा, म्यू इज इक्वल टू इस इक्वेशन में डालेंगे वी अपॉन टी, ठीक है, म्यू इज इक्वल टू वन अपॉन सी पी और इंटू टी इंटू आर अपॉन पी
माइनस वी, ये है हमारा। तो हम लोग को क्या करना है कि ये है टी इंटू आर अपॉन पी और इधर सी पी है। तो हम लोग जानते हैं वी वी का वैल्यू भी निकाल लिया जाए यहाँ से। वी को भी हम लोग टी और पी के फॉर्म में ही रखते हैं और आर के फॉर्म में। तो हम लोग क्या करेंगे, वी इज इक्वल टू आर टी अपॉन पी। तो एक इक्वेशन ए इक्वेशन बी, तो इक्वेशन ए और बी दोनों रखेंगे। तो इसको हम लोग सीधे सीधे यहाँ मिटा के आर टी अपॉन पी कर दे रहे हैं। तो सिंपल है, ये तो ज़ीरो आ गया। तो ये जूल थॉमसन कोफिशियंट फॉर एन आइडियल गैस इज़ ज़ीरो फॉर आइडियल गैस। सिंपली एक चीज़ याद रखना है, फॉर आइडियल गैस ओनली, फॉर आइडियल गैस, ठीक है। ये है, और आइडियल गैस को थ्रॉटलिंग किया जाएगा तो टेम्परेचर में चेंज बिल्कुल नहीं होगा। तो ये एक छोटा सा था, इससे क्वेश्चन भी था, हम लोगों ने देख लिया है कि ये कैसे हुआ है, और आगे क्वेश्चन हम लोग करते हैं इसको सॉल्व, ठीक है। तो ये हम लोग का एक छोटा सा डेरिवेशन जैसा ही था, लेकिन ठीक है, अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। फॉर एन आइडियल गैस चार ऑप्शन है, चारों ऑप्शन मैं लिखूंगा, उसके बाद हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन दिया है फॉर एन आइडियल गैस, फॉर एन आइडियल गैस। अब आप सोचेंगे आइडियल गैस आया है तो इसका मतलब है जूल थॉमसन कोफिशिएंट पूछ लेगा, नहीं, ये लोग बहुत शातिर हैं, ये लोग बहुत खतरनाक खतरनाक सवाल पूछते हैं या प्रश्न पूछते हैं। तो हम लोग चारों ऑप्शन रखेंगे, क्योंकि देखिए मैक्सवेल इक्वेशंस जो हम लोग ने मैक्सवेल रिलेशंस डिराइव किए थे, वो चारों इक्वेशन बहुत कंफ्यूजिंग थे, उनको याद करना बहुत कठिन है। तो बार बार प्रैक्टिस करने से ही याद होगा, उसको प्रैक्टिस ही करते रहिए। हम लोग तब तक लिखते हैं, डेल एस अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम इज ग्रेटर दैन डेल एस अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। एक हो गया, बी क्या हो गया आपका, कि डेल टी अपॉन डेल एस, डेल टी अपॉन डेल एस एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल टू डेल टी अपॉन डेल एस एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। और एक आपका हो गया सी, डेल टी अपॉन डेल एस एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम इज ग्रेटर दैन डेल टी अपॉन डेल एस, और कुछ दिया है, प्रेशर दिया है, ठीक है। और चौथा है नॉन ऑफ दीज, ठीक है। तो ये हम लोग इसका देखेंगे, तो ऑब्वियस सी बात ही हम लोग को समझ में आ रहा है कि ये मैक्सवेल से रिलेटेड कुछ होगा, ठीक है, और जो कि बिल्कुल नहीं है मैक्सवेल से रिलेटेड। तो ये चीज़ हो गया, और या तो हम लोग को दो चीज़ लग रहा है, देखिए अभी क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन कैसे है, पहले तो इसको ठीक से रख दिया जाए, फट जाएगा नहीं तो। ठीक है, तो क्वेश्चन है आपका कुछ इस प्रकार से। तो आज से हम लोग को क्या समझ में आ रहा है, ये देखिए पहला चीज़ है कि ये कौन सा चैप्टर है, थर्मोडायनेमिक रिलेशन है। तो इसमें क्या क्या आता है आपका, एक आता है मैक्सवेल का, ये तो दिया नहीं रहा है कौन से चैप्टर का, लेकिन हम लोग सोच रहे हैं। तो अभी एक तो मैक्सवेल रिलेशंस देख के लग रहा है सब, मैक्सवेल रिलेशंस का है सब, या फिर उसके अलावा क्या लग सकता है, जूल थॉमसन जेटी वाले का लगेगा होगा, जूल थॉमसन वाला लग रहा होगा। तो हमें लग रहा है कि इन दोनों में से कोई एक होगा, ठीक है। तो हम लोग उसी हिसाब से अपनी बुद्धि लगाना शुरू करेंगे और बोल देंगे कि ये थोड़ा सही हो सकता है, लेकिन ये बिल्कुल गलत है, इक्वेशन से भी सही नहीं है, और दोनों एक ही चीज़ लिखा है तो सही कैसे होगा, ठीक। तो हम लोग इसको कंफ्यूज हो जाएंगे। तो अब हम लोग देखेंगे कि दोनों टर्म क्या है। अब हम लोग पहले सोचेंगे मैक्सवेल तरीके से इसको सॉल्व करने का प्रयास किया जाए। देखिए मैं अप्रोच की बात कर रहा हूँ, एक जनरल स्टूडेंट कैसे अप्रोच करेगा, ठीक है, ये जो मतलब एवरेज माइंडेड हो, कोई भी हो, ठीक है। तो देखिएगा डेल एस अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, और इधर क्या देख रहे हैं, डेल एस अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। तो ये तो दोनों सेम है, तो हम लोग देखते हैं अगले में, अगले में क्या, ये दोनों टर्म सेम है, ये दोनों टर्म सेम है। तो हम लोग को एक चीज़ याद है कि मैक्सवेल में दोनों टर्म एक जैसे नहीं थे, थोड़ा अलग अलग था, तो ये मैक्सवेल तो नहीं होगा, सीधे सीधे हट गया। फॉर एन आइडियल गैस लिखा है, तो आइडियल गैस आते आते हमारे दिमाग में क्लिक करेगा कि जूल थॉमसन कोफिशिएंट के बारे में पूछ सकता है, तो हम लोग जे टी इक्वेशन लिखना शुरू कर देंगे। तो जूल थॉमसन कोफिशिएंट से ऐसा कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि उसमें ये एस वाला टर्म्स नहीं आता है, तो ये भी नहीं होगा। तो हम लोग इस तरह से अप्रोच करके कोई भी एक हम लोग देखते हैं ऐसे ही। तो अब हम लोग क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा कहाँ से आया। तो देखिए इसीलिए हम लोग को मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करना है, क्योंकि हर तरह के क्वेश्चन से कुछ शिक्षा मिलेगी, कहाँ से कहाँ पूछा जा सकता है, कोई नियम नहीं है, कुछ भी पूछ सकते हैं वो लोग, ठीक है, थोड़ा भी रिलेटेड हो कर देंगे, तो मैक्सिमम प्रैक्टिस करने से होगा। तो हम लोग क्या करेंगे,
सिंपल कर्व बनाते हैं। क्यों, कैसे बनाते हैं, क्यों कर्व बना रहे हैं? इसलिए बना रहे हैं क्योंकि इसका सॉल्यूशन मुझे पता है, इसलिए बना रहे हैं, उसी तरीके से करेंगे। तो इसका हम लोग क्या किया जाए, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जिनका हमें सॉल्यूशन ही नहीं पता हो या अनोखा लगेगा, तो इसके लिए क्या तैयारी की जाए, कहाँ से पढ़ा जाए, क्या की जाए? इसकी एक ही तैयारी है, उसके अलावा कोई और तैयारी नहीं है कि मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चंस लगाइए जो आपके आ चुके हैं, चाहे स्टैंडर्ड कोचिंग संस्थान वाले सब या स्टैंडर्ड बुक्स वाले सब देते हैं, उनको सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। और कोई तरीका है ही नहीं, जैसे अभी मुझे नया नया पता चला और मैं आप लोग को बता रहा हूँ, ऐसे ही होता है। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे कि ये एस है और ये टी है, तो हम लोग क्या करेंगे कि एस और टी लिख देंगे यहाँ पे। तो एक चीज़ बताइए, एस और टी कर्व हम लोग को फिर नया बनाना पड़ेगा। तो हम लोग क्या जानते हैं कि टी एस कर्व हम लोग जानते हैं, तो हम लोग टी और एस लिख देंगे, जैसे रहता है उल्टा, उसका उल्टा लिख देंगे, टी और एस लिख देंगे। तो इसका मतलब क्या है, 1/∇s, सबके ऊपर 1 कर लगा दीजिए, मन में लगा दिया। अब हम लोग देखते हैं कि ये क्या है, डेल एस अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। तो डेल एस अपॉन डेल टी अपॉन डेल एस, नहीं उल्टा करने की आवश्यकता नहीं है, एक ये उल्टा दिया हुआ है, बाकी सब सीधा है। ठीक है, तो अब क्या हो सकता है कि हम लोग को चेक करना है तीनों में से कौन सा सही है, ये भी सही हो सकता है, ये भी सही हो सकता है, ये भी सही हो सकता है, और नन ऑफ द अबव भी हो सकता है। तो हम लोग क्या करेंगे कि टी एस कर्व सबसे पहले बना लेंगे, जो बनाते हैं, जो हम लोग को आता जाता है, थोड़ा ऐसे बनता है। फिर हम लोग क्या करेंगे कि अब लिखेंगे कि डेल टी अपॉन डेल एस है, क्योंकि ये डेल टी अपॉन डेल एस है, ये डेल टी अपॉन डेल एस है, डेल एस अपॉन डेल टी का कर्व बनाने हम लोग को आता नहीं है, तो उसको अभी हम लोग थोड़ा देर के लिए होल्ड पर रख देते हैं। तो जितना आता है उसको करते हैं। तो डेल टी अपॉन डेल एस है, तो हाँ डेल टी अपॉन डेल एस सिंपल कर्व की बात हो रहा है एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। तो हम लोग देख रहे हैं कि कॉन्स्टेंट वॉल्यूम पे इसका कर्व क्या बनता है, इस टी एस पे कैसा बनता है कॉन्स्टेंट वॉल्यूम का, वो कुछ ऐसा बनता है। हम लोग को याद है इस डायरेक्शन में बनेगा, जब उस डायरेक्शन से आएगा। और क्या दूसरा दे रहा है, डेल टी अपॉन डेल एस कॉन्स्टेंट प्रेशर। तो हम लोग क्या करेंगे कि कॉन्स्टेंट प्रेशर वाला थोड़ा नीचे रहता है, तो ये हो गया आपका पी कॉन्स्टेंट हो गया, और थोड़ा हाई जिसका इंक्लिनेशन है वो कॉन्स्टेंट वॉल्यूम वाला हो गया। इतना हम लोग को आया, अपना जितना दिमाग लगा सकते थे हम लोगों ने लगाया इस क्वेश्चन में। तो अब हम लोग देख रहे हैं कि इसमें से क्या है। तो एक चीज़ हम लोग को थोड़ी भी मैथमेटिक्स आती होगी, अगर नहीं आती है तो इसको हम लोग को सीख लेना अच्छा है, क्योंकि यही हम लोग के काम आएगा हर तरह के क्वेश्चन में, कि ये स्लोप है, ये स्लोप की बात कर रहा है। तो ये वाला क्या कह रहा है कि स्लोप ऑफ दिस इज इक्वल टू दिस, स्लोप ऑफ कॉन्स्टेंट वॉल्यूम लाइन इज इक्वल टू स्लोप ऑफ कॉन्स्टेंट प्रेशर लाइन। जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, दोनों अलग अलग है, कॉन्स्टेंट वॉल्यूम की लाइन स्लोप अधिक है, तो ये सीधे सीधे आउट हो जाएगा। हम लोग देखेंगे स्लोप ऑफ कॉन्स्टेंट वॉल्यूम लाइन इज ग्रेटर देन स्लोप ऑफ कॉन्स्टेंट प्रेशर वाला, तो ये वाला ऑप्शन 100% मैच कर रहा है। ठीक है, तो ये इसको हम लोग बोल देंगे कि ये सही है। लेकिन उसके अलावा दो ऑप्शन बचते हैं, दो ऑप्शन क्या है, ए और डी। तो डी क्या है आपका, नॉन ऑफ द अबव, नोटा, ठीक है, नॉन ऑफ द अबव, और ये क्या है, उल्टा करके बोल रहा है। तो हम लोग देखेंगे कि ये क्या, ये सही है। तो हम लोग जानते हैं कि अगर हम लोग पलट देंगे तो पलटने के बाद क्या आ जाएगा कि डेल एस अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर इज ग्रेटर देन डेल एस अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, या फिर इसको हम लोग उस तरह से लिखना चाहें तो इधर वॉल्यूम हो जाएगा, इधर प्रेशर हो जाएगा, और एरो इस साइड हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। तो ये चीज़ हम लोग का ऐसे आएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन हम लोग का मैच कर रहा है, नहीं कर रहा है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो हम लोग का सीधे सीधे क्या आंसर आ जाएगा, सी आएगा। तो ये क्वेश्चन को मैंने इतना लंबा क्यों खींच के एक्सप्लेन किया, क्योंकि क्वेश्चन अनोखा है, ऐसा क्वेश्चन मैंने तो बहुत मुश्किल बाद बहुत दिनों बाद पाया। तो ठीक है, तो ये हम लोग सिंपल क्वेश्चन को कैसे फंस गए हम लोग इसमें, ये देखना था। ठीक है, और कैसे करना चाहिए, क्या अप्रोच हम लोग का होता है, हम लोग कैसे उसको कर सकते हैं सिंपल फॉर्म में, कुछ नहीं आता है तब कैसे कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे आते हैं, मैक्सवेल रिलेशन पे क्वेश्चन है, और चारों ऑप्शन मैं लिखूंगा, और बोल रहा है इसमें से कौन सा सही है, इसमें एक ही सही है लेकिन मैं चारों लिखूंगा। तो मैक्सवेल पे क्वेश्चन है, तो किसका क्वेश्चन है, मैक्सवेल का, पहले हम लोग लिख ले रहे हैं। देखिए थोड़ा सा डेरिवेशन वाला है, तो इसमें थोड़ा स्लो चलें अगर काम हो तो ठीक है, समझ में आने से मतलब है, स्लो चलना पड़े तो चलेंगे हम लोग स्लो। मैक्सवेल रिलेशंस लिख दिया है सीधे सीधे, तो हम लोग क्वेश्चन में कुछ और दिमाग लगाना नहीं चाहिए, वो चार इक्वेशन हम लोग को याद रहेंगे तो हम लोग कर लेंगे, नहीं याद है तो प्रैक्टिस करते करते याद हो जाएगा। तो हम लोग चारों ऑप्शन लिखेंगे कि चारों ऑप्शन जो दिया हुआ है वो क्या है, और हम लोग देखेंगे कि वो सही है कि नहीं है। बोल रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट, और चारों ऑप्शन जो है वो कुछ इस प्रकार है। चारों ऑप्शन में सबसे पहला ऑप्शन है आपका डेल टी अपॉन डेल वी एट कॉन्स्टेंट
एंट्रोपी इज इक्वल टू डेल पी अपॉन डेल एस एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, ए हो गया। बी क्या दिया है आपको, डेल टी अपॉन डेल पी एट कॉन्स्टेंट एंट्रोपी इज इक्वल टू माइनस ऑफ डेल वी अपॉन डेल एस एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, एक ही हो गया। सी नंबर क्या दिया है आप लोग का, कि डेल पी अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल टू माइनस ऑफ डेल एस अपॉन डेल वी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, और डी क्या दिया है, डेल वी अपॉन डेल टी, डेल वी अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू माइनस ऑफ डेल एस अपॉन डेल पी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, ये चार दिया हुआ है। तो एक नॉर्मल सी बात है, कोई भी नॉर्मल स्टूडेंट को मैक्सवेल रिलेशंस डिराइव करने तो कर लिया, याद किसी को जनरली नहीं रहता, जिन्होंने याद किया उनको रहता है। तो हम लोग पहले देखेंगे, हम लोग को समझ में आएगा, इसका कोई आइडिया नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे कि चारों मैक्सवेल इक्वेशंस लिखेंगे और उसको याद करना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं है। तो चारों मैक्सवेल इक्वेशंस से हमारे वो मैक्सवेल रिलेशंस, तो सबसे पहला है आपका ये देखिए, डेल टी अपॉन डेल वी, डेल टी अपॉन डेल वी एट कॉन्स्टेंट एंट्रोपी इज इक्वल टू माइनस ऑफ डेल पी अपॉन डेल एस एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। तो ये तो एक हो गया इक्वेशन नंबर, इक्वेशन नंबर टू जो है वो है, टू हो सकता है थ्री हो सकता है, डेल टी अपॉन डेल पी एट कॉन्स्टेंट एंट्रोपी इज इक्वल टू डेल वी अपॉन डेल एस एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, ठीक है। इक्वेशन नंबर थ्री इधर लिखा जाएगा, डेल पी अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल टू डेल एस अपॉन डेल वी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, और इधर एक हम लोग लिखेंगे ऊपर, डेल वी अपॉन डेल टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू माइनस ऑफ डेल एस अपॉन डेल पी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। तो ये चार मैक्सिमल इक्वेशन है जो मैंने बुक से छाप के आपके सामने लिखा है। अब हम लोग कुछ दिमाग लगाने का प्रयास करेंगे कि हम लोग कैसे इसको याद कर सकते हैं, ठीक है। वो जो मैंने तरीका बताया टीचर वाला था, थर्मल पावर स्टेशन, समझ में नहीं आया मुझे भी आपको भी, तो उसको हम लोग छोड़ देते हैं, हम लोग नया प्रयास करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं कि इक्वेशन नंबर वन, इसे वन नाम दे दिया, इक्वेशन नंबर इसे टू कर दिया, ठीक है, इसे कर दिया थ्री और इसे फोर। अब पता नहीं हम लोग का डेरिवेशन से अलग अलग आया हो, अभी हम लोग देखेंगे कि क्या एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू में हम लोग कैसे याद कर सकते हैं। तो हम लोग सिंपल देख रहे हैं कि T अपॉन V है, ठीक है, पहला इक्वेशन T अपॉन V है, और उसके सामने P अपॉन S आया है, और इधर भी V अपॉन T है और S अपॉन P आया है, जस्ट पलट गया और कुछ नहीं हुआ, और माइनस दोनों में आया है। तो एक इक्वेशन हम लोग याद करेंगे तो इस हम लोग का दोनों का जैकपॉट लग सकता है। तो हम लोग को क्या करना होगा, सबसे पहला कि हम लोग देखिए टी वी कौन कौन देखता है आप लोगों में घर में, अभी रामायण महाभारत चल रहा है तो हम लोग सब देखते हैं, तो टी अपॉन वी टी वी हो गया, और सामने क्या हो गया, अब टी वी देखने के क्या हम लोग पैसे वगैरह कुछ लगते होंगे ना, बिना पैसे के थोड़े होंगे, तो हमें लग गए पैसे, ठीक है, टी वी देखने के पैसे लगते हैं, बिना रिचार्ज के आप देख नहीं सकते हैं, नेटफ्लिक्स अमेजन प्राइम भी नहीं देख सकते हैं, तो टी वी देखने के हमें पैसे लगे, ठीक है। तो इससे हम लोग का दो इक्वेशन सॉल्व हो गया। अब पैसे डिडक्ट होते तो माइनस होंगे ना भाई, पैसे तो आपका पॉजिटिव में आएगा नहीं, तो माइनस यहाँ पे है माइनस वहाँ पे है, तो टीवी देखने के हमें पैसे लगे जो माइनस हो गए हैं। तो हम लोग का क्या इक्वेशन बन गया है, इसमें डेल लगा दे सब में चारों में पहले, उसके बाद आगे देखा जाए क्या किया जाना है। उसके बाद अगला हम लोग देखेंगे कि हम लोग को कॉन्स्टेंट क्या लगाना है, ठीक है, और एक तो टीवी देखने के पैसे लगे, तो हम लोग टीवी नीचे कभी देखते थे तो ऊपर नीचे से हम लोग अब उसको उल्टा कर देंगे, सिंपल पैसे लगेंगे, और क्या हो गया, पैसे डिडक्ट होंगे तो माइनस होगा, ये भी यहाँ भी माइनस है, और यहाँ पे लग जाएगा डेल, यहाँ लग जाएगा डेल, यहाँ लग जाएगा डेल, और यहाँ पे डेल, ठीक है, ये हो जाएगा आपका। तो टीवी देखने के पैसे लगे, टीवी देखने के पैसे लगे, ठीक है, और पैसे डिडक्ट होते हैं तो माइनस हो गया, पैसे लगना अच्छी बात थोड़ी है, कोई चाहता पैसे लगना, माइनस हो गया हमारा पैसा, तो हम लोग डेल लगा दिए। अब हम लोग देखेंगे कि कांस्टेंट वो हम लोग कैसे कर सकते हैं, ये ट्रिक जो है मैं अभी अभी आपसे बात करते करते डिराइव करूँ, ऐसा नहीं कि मैंने सोच के बैठा हूँ, नहीं भाई ऐसा कुछ सोचा उचा नहीं, आपके सामने सामने सब आ रहा आइडिया, ठीक है। अब हम लोग ने इसको ऊपर ब्रैकेट चढ़ा दिया, ठीक है, अब इसका श्रृंगार हो गया हर तरह से, डेल वेल लगा के सब कुछ हो गया, तेल वेल लगा के, डेल वेल लगा के, ठीक। अब हम लोग देखेंगे कि क्या क्या हम लोग को कांस्टेंट लगाना है। तो टीवी देखने के पैसे लगे,
फिर उल्टा करके टीवी देखने के पैसे लगे, माइनस हो गया क्योंकि हम लोग के पैसे डिडक्ट हो गए। और हम लोग क्या करेंगे कि सभी परिवार कुछ सोचते हैं SVPT को हम लोग क्या कर सकते हैं। हम लोग के सामने क्या है SVPT, SVPT क्या है SVPT, SVPT। तो हम लोग अब देखते हैं टीवी से रिलेट करने का इसको प्रयास करते हैं, इसको कैसे किया जाए। तो सभी पढ़ते थे, नहीं सभी पढ़ते थे SVPT SV। और हाँ, टीवी देखने के पैसे लगे और आप स्टूडेंट हैं, आपको बिल्कुल नहीं देखना चाहिए। हम स्टूडेंट हैं, हमें नहीं देखना चाहिए, कोई स्टूडेंट को अभी टीवी देखने का टाइम नहीं वेस्ट करना चाहिए। तो क्या हुआ कि जब टीवी देखने के तो हमने पैसे लगा दिए पापा के रिचार्ज करके, ठीक है, तो हम लोग क्या हुआ कि सभी पीटे गए, ठीक है। तो इससे हमारा दो मैक्सवेल इक्वेशन तो सीधे सीधे हम लोग को याद हो गया। तो एग्ज़ाम में आप गेट वगैरह का एग्ज़ाम देंगे उसमें तो रिलेशन हटा दिया है, आप ES का या कोई भी एग्ज़ाम देंगे तो सबसे पहले इसको या सबसे पहले क्या लिख दीजिएगा, जैसे रीजनिंग में ABCD वाला पूरा लिखते हैं वैसे लिख दीजिएगा, धीरे धीरे याद हो जाएगा। तब हम लोग क्या हुआ कि इसको फिर से लिखेंगे, ठीक है। अब हम लोग आपके सामने ये ट्रिक निकाला हूँ मैं, ऐसा कोई नहीं मैं सोच सच के आया था, नहीं। तो देखिए हम लोग क्या जानते हैं कि देखो भाई बहुत मन किया रामायण दिखा रहा है अभी, तो हम लोगों ने टीवी देखने के पैसे लगा दिए, फिर से लगा दिए टीवी देखने के पैसे लगा दिए, इस बार थोड़ा नीचे से लगा दिए, टीवी देखने के पैसे लगा दिए। अब पैसे निकले तो माइनस हो गए, पापा के अकाउंट से कट गया, पापा ने बोला कि कहाँ से कटा मेरा पैसा, तो ये हो गया माइनस और यहाँ हो गया माइनस पैसा, ठीक है। तो पिताजी ने पूछा मेरा पैसा कहाँ से कटा है, डेल लगा के डंडा ले आए, तेल लगा के डेल लगा लिया हम लोगों ने, डेल, ठीक, और डेल हो गया, ठीक है। टीवी देखने के पैसे लगे, पैसे माइनस हो गए तो माइनस हो गया। अब पिताजी ने पूछा कि भाई ये पैसा कहाँ से मतलब कट गया मेरा, ठीक है, ये अचानक से माइनस क्यों आया, आपसे आके पूछने लगे कि भाई मेरा पैसा कहाँ खर्च किया है तुम लोगों ने, पक्का नेट बैंकिंग का यूज़ किया, कुछ किया है। तो उनको जब पता चला कि सबने टीवी देखने के लिए पैसे लगा दिया है, तो सभी लोग क्या हुआ पीटे गए। तो हम लोग चेक करते हैं कि हम लोग का सही क्वेश्चन आया है, डेल देखिए तो सही आ रहा है, बिल्कुल सही आ रहा है। तो इस तरह से हम लोगों ने दो इक्वेशन का दिमाग लगा काम कर लिया, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, याद करना है ये हम लोग, देख टेक्निक क्या है, अब हम लोग इन दोनों को सोचेंगे कैसे करना है, ठीक है। तो अब हम लोग इस पे आते हैं, तो ये हम लोग का क्या है, TP VS, और इधर क्या है PT P/T = S/V। तो अब हम लोग को इसको सोचना है क्या करना होगा। तो ऐसा है कि स्कूल में आप लोग तो सब पढ़े हैं, ठीक है, स्कूल में सब पढ़े हैं हम लोग, आप पढ़े हैं, हम पढ़े हैं, तो उसमें हम लोग का एक लेक्चर होता था, एक क्लास होता था, जो कोई लड़कियां वगैरह में नहीं करना चाहते थे, कोई लड़के नहीं करना चाहते होंगे, तो उसमें क्या होता था, एक होता था PT का लेक्चर क्या PT कराया जाता था, शुरू में असेंबली में PT होता था और सभी को करना पड़ता था, सभी करो PT। तो हम लोग बोले कि नहीं करेंगे, टीचर गुस्से में आ गए, फिर बोले PT को सभी करो, फिर नीचे से बोला उन्होंने PT सभी करो, सभी को PT करना होगा, ठीक है। हम लोग बोले चलो ठीक है, तो उन्होंने सब में डेल लगा दिया गया, पहले डेल लगा दिया, डेल 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 और ये डेल, ठीक है, सभी लोग PT करो, PT करेंगे सभी लोग करेंगे PT, ठीक है, ये हो गया। और उसके बाद क्या हुआ कि यहाँ पे ऐसा, तो इसको हम लोग ऐसा कर देते हैं, तो ठीक है, सभी लोग करेंगे PT, फिर हम लोग करेंगे, पहले ये वाला इक्वेशन लिखा ना, फिर ये लिखा, तो VTSP है, अब हम लोग को VTSP का रिलेशनशिप खोजना है, VTSP को क्या किया जाए। तो VTSP कैसे होगा भाई, VTSP को तो बैठाना पड़ेगा ना, तो V हो जाएगा आपका VTSP, ताड़ासन VC, कुछ सोचना पड़ेगा इसके लिए ना, तो VTSP
VTSP को आप ऐसे याद कर सकते हैं कि जो इनका जो आपका डिनोमिनेटर है वहाँ का कांस्टेंट हो जाएगा, अगर याद नहीं कर पाएंगे तो इसका जो ये है V आ जाएगा और इसका T उधर चला जाएगा, नीचे वाला आएगा, और इधर SP है तो इसका S इधर से आ जाएगा और इधर P आ जाएगा, और अगर नहीं भी है तो क्या कहते हैं, बॉडी ट्रेनिंग के लिए SP को बुलाया गया। नहीं, अगर आप वेरी वी आर ट्रेनिंग यू टू मेक यू SP सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, ये कर सकते हैं याद, लेकिन अगर नहीं भी याद है तो इसका T जो है उधर आ जाएगा, इसका V इधर आ जाएगा। तो अब हम लोग चारों इक्वेशन अपने याददाश्त पे लिखेंगे, उसके बाद क्वेश्चन पे आएंगे। तो इतना लंबा चौड़ा इसको क्यों बताया जा रहा है मैक्सवेल इक्वेशन, इसलिए कि हम लोग यहाँ पे घुसे, अगर यहाँ नहीं रहेगा किताब में रहेगा तो उसका कोई वैल्यू नहीं है। पुस्तक में रखी हुई विद्या और कर्ज दिया हुआ धन किसी काम के नहीं होते, तो हम लोग पुस्तक से उठा के यहाँ घुसाना है, यहाँ पे उसी को घुसा रहा हूँ मैं, अपने भी आपके भी सबके, ठीक है। तो हम लोग इसीलिए इस पर टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं क्योंकि मैक्सवेल रिलेशन से क्वेश्चन आना ही आना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग अपने याददाश्त पे लिखेंगे, फिर उसको बुक से मैच कराएंगे, ठीक है। सबसे पहले तो रामायण आ रहा है तो हम लोग को टीवी देखें, टीवी देखने के क्या लगेंगे, पैसे लगेंगे, पैसे लगेंगे तो माइनस होगा ना भाई, माइनस होगा, और क्या टीवी देखने के पैसे लगेंगे तो नीचे से भी टीवी देखने के पैसे लगेंगे, नीचे से पैसे लगेंगे, ठीक है, और क्या होगा माइनस होगा, क्यों, क्योंकि टीवी देखना फ्री में थोड़ा ही होता है, पैसे लगते हैं हम लोगों के। हम लोग इसमें क्या क्या लगेंगे, डेल लगा देंगे ऐसे ऐसे करके, ये डेल लग जाएगा, ये डेल 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 डेल, ठीक है। टीवी देखने के पैसे लगे तो फिर उसके बाद क्या हुआ, अब हम लोग आगे आते हैं, ब्रैकेट पे खर्चा करें आगे बढ़े। तो जब पिताजी को पता चला तो क्या हुआ, सभी लोग पीटे गए, सभी लोग पीटे गए, सभी लोग पीटे गए, तो सभी लोग पीटे गए, पीटे, अगर नहीं आता है तो इसका ऐसे यहाँ आ जाएगा, इसका भी उधर आ जाएगा, इसका टी उधर चला जाएगा, इसका पी इधर आ जाएगा, सभी लोग पीटे गए, याद भी नहीं करना है तो। लेकिन टीवी देखने के तो भाई पैसे लगेंगे, फ्री में तो आप टीवी नहीं देख सकते हैं। और दूसरा इक्वेशन क्या था हम लोगों का, PT सभी को करना है, तो PT सभी को करना है तो भाई करो, मास्टर साहब ने बोला है कि PT सभी को करना है, सभी को, ठीक है, और PT उल्टा सभी को करना है, इधर से भी बोला उधर से भी बोला, ठीक है। तो PT करने के तो पैसे लगते नहीं है तो इसको कुछ माइनस वाइनस होगा नहीं, ठीक है। अब हम लोग क्या लगा देंगे, इसके आगे लगेगा डेल, यहाँ लग जाएगा सब में डेल 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 डेल, ठीक है। PT सभी को करना है, PT सभी को करना है, ठीक है। और कांस्टेंट क्या है इसके साथ, कांस्टेंट रेड से लिखेंगे, ऊपर वाले का रेड से लिखें तो इनका ब्लू से क्यों लिखें, इनको बुरा लग जाएगा, बोलेंगे हमारे साथ भेदभाव कर दिया आपने, तो भेदभाव नहीं करना है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, कांस्टेंट के लिए क्या, VTSP यानी वेरी बढ़िया ट्रेनिंग या वेरी गुड ट्रेनिंग मेक्स यू SP सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, और नहीं तो यहाँ का V यहाँ का T, यहाँ का V इधर हो गया, इधर का T आ गया, और उसका SP हो जाएगा, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस बनोगे। तो ये हमारे चार इक्वेशन हैं और ये चारों के चारों सही हैं, बिल्कुल गलत नहीं है, ठीक है। ये तो इन्होंने आंसर शीट्स में दिया हुआ है मैक्सवेल इक्वेशन में, और हम लोग देखते हैं ये मैक्सवेल इक्वेशन जो बुक में दिया है, सब जगह से मिला ले एकदम 100% श्योर हो लें तभी आगे बढ़ेंगे, ठीक है। सही भी है तो क्या है, हम लोग को चेक करना है कि हाँ भाई हम लोग ने सही निकाला है कि नहीं निकाला है, ठीक है। जल्दी आओ भाई, जल्दी आओ, तो मैक्सवेल रिलेशंस पे आ जाए ना, कहाँ है भाई बुक में मैक्सवेल रिलेशंस नहीं दिया है क्या, बुक में नहीं दिया तो नोट्स में देख के कराऊंगा, रुक जाए भाई, क्लॉसियस क्लैपेरॉन तो शूट ही गया है। अच्छा वो सब भी होगा, समय आने पे हो जाएगा सब, नहीं हो तो दूसरी कॉपी में देखा जाएगा। TDS इक्वेशन हो गया आपका, मैक्सवेल मैक्सवेल का रिलेशनशिप कहाँ है, हाँ ठीक है। टीवी देखने के पैसे लगे डेल्टी, ठीक है, सभी को देना होगा, पहला इक्वेशन है। फिर टीवी देखने के पैसे लगेंगे, कहाँ है टीवी देखने के पैसे लगेंगे, फिर PT सबको करना है, सभी को PT करना है, ठीक है, बिल्कुल सही है। ये चारों इक्वेशन ऐसे ही होगा,
बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है, इसलिए इस पर इतना टाइम लिया गया। एक बार लास्ट और समझाऊंगा, पहले हम लोग इस क्वेश्चन को कर लेते हैं, समझाना कि आप समझ गए हैं इतना टाइम वेस्ट करना। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कौन सा मैच करना है। टीवी देखने के पैसे लगे, लेकिन माइनस तो नहीं हुआ है यहाँ पे। टीवी देखने के पैसे तो नहीं लगे, तो पीटी सबको करना है, पीटी सभी को करना, लेकिन यहाँ माइनस नहीं होना चाहिए। पीटी सभी को करना लेकिन माइनस कुछ नहीं होगा। टीवी देखने के पैसे लगे, ये वाला सही होगा, डी नंबर सीधे सीधे, वो तो बिना देखे नीचे हो गया। ठीक है, तो आज का लेक्चर हमारा इसी चीज़ों पे सीमित रहेगा। ठीक है, यहीं तक आज का अभी पढ़ाई है ये लेक्चर का, और अगले लेक्चर में हम लोग फर्दर देखेंगे आगे क्या करना है, कैसे करना है। हम लोग जैसे होगा वैसे बढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा, जय हिंद, थैंक यू। शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब वगैरह सब करते रहिएगा, करना है। ठीक है।